हाय गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले न्यू एपिस फिनापी 232 एक्स्ट्रा पावर और ये एक 40 एलबीस का बैडमिंटन रैकेट है। एंड हम अपने चैनल में पहली बार कोई रैकेट में 40 एलबीस लगा के देखेंगे एंड सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली खेल के भी देखेंगे। एंड पुराने एपिस फिनापी 232 एंड नए वाले में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो हमने स्ट्रिंग को रैकेट में लगा दिया जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसे 40 एलबीस में टाइट करना बाकी है। एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये आप बिल्कुल भी ट्राई ना करिए, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हम पूरा सेफ्टी के साथ कर रहे हैं एंड बेसिकली करने का मोटो ये है कि कंपनी क्लेम कर रहा है कि आप इसमें मैक्सिमम 40 एलबीस तक लगा सकते हो, तो वही हम बस चेक करने वाले हैं कि ये रैकेट होल्ड कर सकता है कि नहीं। एंड हमने 40 एलबीस सेट कर दिया, अब रैकेट को यहां लगाते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा उसमें हमने BG65 टाइटेनियम स्ट्रिंग लगाया था एंड 40 LBS में हम टाइट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्रिंग टूट गया। अब हम BG65 स्ट्रिंग लगा रहे हैं यूनिक्स की एंड 38 LBS में करके देखेंगे। तो गाइस जैसे कि आपने देखा जब हम सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे थे BG65 विद 38 LBS, तो उस समय क्या हुआ कि लास्ट में आते आते स्ट्रिंग घूमना चालू हो गई और वहाँ से टूट गई। तो हाई टेंशन में यही है कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाती है तो स्ट्रिंग टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम फिर से तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं, इसमें BG65 स्ट्रिंग लगा लिए है एंड इसे 38 टेंशन में खींचना फिर से बाकी है। इस बार हम और ज़्यादा केयरफुल होकर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रिंग तीसरी बार भी ब्रेक हो गई एंड तीसरी बार हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए जब वो ब्रेक हुई। एंड जब भी स्ट्रिंग एक जगह से टूटती है तो हमें इंस्टेंटली सभी स्ट्रिंग को काटना पड़ता है, इससे क्या होता है रैकेट में फिर प्रेशर नहीं पड़ता। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं सारे स्ट्रिंग को काट रहा हूँ। तो गाइस हमने इस रैकेट पे तीन बार स्ट्रिंगिंग करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों बार स्ट्रिंगिंग ब्रेक हो गई, लाइक स्ट्रिंग ब्रेक हो गई करते के टाइम, और दो बार तो ऑलमोस्ट लास्ट में आते आते हो गई। तो मैं ट्राई कर रहा था 2 knot, तो जिनको नहीं पता 2 knot एंड 4 knot क्या होता है, तो 2 knot मैंने जैसे कि आप देख सकते हो वाले रैकेट में एक और एक ये 2 knot लगे, तो ऐसे 4 knot होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लगे हुए रहते हैं। तो मैं 2 knot ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है वो 4 knot से किया, 40 LBS में किया, तो इजिली होल्ड कर लिया रैकेट। इवन वो 44 LBS भी रैकेट में लगाया तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आया, इजीली होल्ड हो गया। इससे ये पता लगता है कि ये रैकेट का जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफी बढ़िया है। वैसे आने वाले समय में मैं डेफिनेटली आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगा। वैसे 40 LBS स्ट्रिंग टेंशन लगाने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो बस रैकेट को टेस्ट कर रहा था कि ये होल्ड कर सकता है कि नहीं। वैसे इंटरनेशनल प्लेयर की बात करें तो वो मैक्स टू मैक्स 34 LBS तक लगाते हैं, वो भी कुछ गिने चुने। सो मैं सजेशन देना चाहूंगा अगर आप एक बिगनर हो तो 22 LBS से कम लगाए, इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो 22 से 25 LBS के अराउंड एंड एडवांस प्लेयर हो तो 26 या उससे ऊपर। सो रैकेट के लुक वाइज की बात करें तो आपको काफी डिसेंट लुक देखने को मिलेगा, ज्यादा तामझाम नहीं है एंड ये आपको 3 color में देखने को मिल जाएगा, व्हाइट गोल्ड जैसे कि आप देख सकते हो, दूसरा है नेवी गोल्ड जैसे कि आप देख सकते हो एंड तीसरा है रेड गोल्ड। तो पर्सनली मुझे वैसे ये जो नेवी गोल्ड वाला है वो मुझे काफी पसंद आया। तो रैकेट के फ्रेम से स्टार्ट करते हैं तो आपको टॉप में डायमंड टाइप के पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, यहाँ लिखा है 40 LBS एंड जो मटेरियल यूज हुआ इसके फ्रेम को बनाने के लिए वो है 40-ton कार्बन ग्रेफाइट। इस रैकेट के फ्रेम में एक नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ट्रिपल स्पीड सिस्टम, जो रैकेट को एडिशनली पावर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसके फ्रेम में यहाँ लिखा हुआ भी है एक्स्ट्रा पावर फ्रेम सिस्टम। रैकेट के टी जॉइंट की बात करें तो ये आपको सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो, जिसके पर आपको एपिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। इसके शाफ्ट की बात करते हैं तो टी जॉइंट के जस्ट नीचे आपको यहां मेड इन वियतनाम देखने को मिल जाएगा, माने ये रैकेट मैन्युफैक्चर हुआ है वियतनाम में। शाफ्ट के ऊपर आपको रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाता है जो कि फिनापी 232 एक्स्ट्रा पावर। थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो यहां लिखा है पावर फ्रेम सीरीज एंड उसके बाजू में लिखा है हाई मॉडल्स ग्रेफाइट रैकेट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड उसके बाजू में कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है जो कि है वेट। सो यहां 85 से 87 ग्राम के बीच में इस रैकेट का वेट लिखा हुआ है। सो जनरली जब हम इस रैकेट का वेट करें तो हमें ये 86 ग्राम के अराउंड देखने को मिला। उसके बाजू में लिखा है बैलेंस पॉइंट जो कि 295 प्लस माइनस 3 है। सो ये एक इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट है, माने वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रैकेट। उसके बाजू में लिखा है फ्लेक्स जो कि इसका 8.5 है। सो एपेक्स चार्ट का जो फ्लेक्सिबिलिटी चार्ट है उसके मुताबिक ये स्टिफ शाफ्ट हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाजू में मैक्स
स्ट्रिंग टेंशन जो कि 40 LBS है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ लिखा है फोर यू जीवन, सो फोर यू डिटरमाइन करता है रैकेट का ओवरऑल वेट। सो योनेक्स के वेट चार्ट के मुताबिक फोर यू डिटरमाइन करता है 80 से 84.9 ग्राम के बीच में, लेकिन एपेक्स चार्ट के मुताबिक ये डिटरमाइन करता है 84 से 86.9 ग्राम के बीच में। सो हर कंपनी का थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वेट चार्ट होता है। यहाँ लिखा है जीवन जो कि रैकेट का ग्रिप साइज है, जो कि आपको काफी ज्यादा पतला सबसे ज्यादा छोटा देखने को मिलेगा। एंड हम अगर योनेक्स के ग्रिप साइज से कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से ये G5 इसका ग्रिप साइज है। ये हमारा रैकेट का होलोग्राम, जिसके नीचे आपको रैकेट का हैंडल कैप देखने को मिल जाएगा, जिसके आगे और पीछे दोनों साइड आपको एपेक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ यूके का फ्लैग। रैकेट के हैंडल के नीचे आपको एपेक्स का लोगो देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे लिखा है यूके। फाइनली रैकेट के प्राइस की बात करें तो ये आपको 2000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे Shaurya100 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो गाइस मेरे जो लेफ्ट हैंड में है वो है पुराना वाला एपेक्स फिनेपी 232 एंड ये जो राइट हैंड में है वो है एपेक्स फिनेपी 232 एक्स्ट्रा पावर। सो दोनों में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो ये जो पुराना वाला है इसमें आप मैक्सिमम 38 LBS तक लगा सकते हो, और ये जो नया वाला है इसमें आप 40 LBS तक। पुराने वाले में आपको कंट्रोल एसिस बम्फर देखने को नहीं मिलता एंड नए वाले में आपको कंट्रोल एसिस बम्फर देखने को मिल जाता है, जो कि रेड कलर का है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को होल्ड करके रखता है। अगर आप एक ही जगह से बार बार शटल मारते हो तो वो स्ट्रिंग खसकना चालू हो जाती है, तो ये कंट्रोल एसिस बम्पर आपके स्ट्रिंग को होल्ड करके रखता है। प्राइस की बात कर ले तो पुराना वाला आपको 1700 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगा और जो नया वाला है ये आपको 2000 रुपीज के अराउंड। एंड रैकेट के शाफ्ट की बात करें तो पुराने वाले का जो शाफ्ट है वो आपको थोड़ा सा थिकर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ये नए वाले का शाफ्ट। पुराने वाले में आपको 72 ग्रोमेट देखने को मिल जाएंगे, जो नया वाला है उसमें आपको 76 ग्रोमेट। एंड जब आप दोनों के फ्रेम को ध्यान से देखोगे तो जो पुराना वाला फ्रेम आपको एरो फ्रेम देखने को मिल जाएगा एंड जो नया वाला है वो आपको थोड़ा सा एरो प्लस बॉक्स फ्रेम देखने को मिल जाता है। बाकी अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें जैसे रैकेट का ओवरऑल वेट हो गया, इसका बैलेंस पॉइंट हो गया, शार्प फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ग्रिप साइज हो गया, ये सारे ही आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब ये जो नया वाला एपेक्स फिनेपी 232 एक्स्ट्रा पावर है इसके साथ हम खेल के देख लेते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। फाइनली हमने ये रैकेट के साथ खेल लिया और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले रैकेट की ओवरऑल वेट की बात करें तो आपको थोड़ा सा मीडियम से हैवियर वेट देखने को मिल जाता है। सो अगर आप लाइटर वेट से खेलते हो और थोड़ा सा स्विच करोगे रैकेट में तो थोड़ा सा हैवियर आपको फील हो सकता है। वैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं खुद 87 ग्राम का रैकेट वेट यूज करता हूं, तो मुझे ये काफी कंफर्टेबल लगा। इस रैकेट के पावर की बात करूं तो मैं पर्सनली हाईली इंप्रेस इस रैकेट के पावर से, वो चाहे स्मैश हो गया, क्लियर टॉस हो गया, तो काफी बढ़िया मुझे इस रैकेट का पावर लगा एंड जो रैकेट का पंच है वो भी काफी लगा। so, जिस प्राइस पॉइंट में रैकेट मिल रहा है मैं डेफिनेटली बोलूंगा वैल्यू फॉर मनी है। डेफिनेटली मैंने पहले भी देखा है एपेक्स के जितने भी रैकेट है जिस भी प्राइस पॉइंट में मिल रहे हैं तो उसके हिसाब से उसकी जो क्वालिटी एंड जिसका आउटकम है मुझे काफी बढ़िया लगा है। सो अगर आपका बजट 2000 के अराउंड हो एंड आपको एक पावरफुल रैकेट चाहिए जिसका वेट स्लाइटली सा हैवियर हो एंड जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ी हो तो डेफिनेटली आप ये रैकेट ट्राई कर सकते हो। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिव्यू किया न्यू एपेक्स फिनेपी 232 एक्स्ट्रा पावर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको कोई भी डाउट बैडमिंटन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। एक्स्ट्रा बाप 38 LBS ना कर रहे। अरे बाप रे। अरे वीडियो बना रहा है इसलिए। है क्या? हाँ।